The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. When you are not able to breathe, maybe कोई भी कभी भी ऐसा कुछ हो कि आपको सांस नहीं आ रहा है तो you can try this. This is a very useful thing. It's called pursed lip breathing. इससे क्या होता है? Pursed lip breathing uses less energy to breathe. पहली चीज energy कम लगती है. It will help you relax. और specially जब आप सांस नहीं आ रहा है, shortness of breath है, तो आपके breathing की rate बढ़ जाती है. तो इफेक्टिव ब्रीदिंग कम हो जाती है. तो ये क्या करेगी? ये हेल्प करेगी ब्रीदिंग के रेट को कम करने में और आपको खुद को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो फील हो रहा है उससे हेल्प करेगी. ये यूजिंग दिस पर्स्ड लिप ब्रीदिंग, दिस यू कैन डू व्हेन यू आर हैविंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एनी टाइम. जब भी अगर मान लीजिए अगर आपको एक्सरसाइज के दौरान सांस फूल रही है तो भी, आप झुक रहे हैं तब सांस फूल रही है, तो कोई सामान उठा रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, या वैसे ही घबराहट हो रही है और एकदम सांस फूल रहा है, तब आप पर्स्ड लिप ब्रीदिंग कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस पर्स्ड लिप ब्रीदिंग वेन एवर यू हैव टाइम. कभी भी कहीं भी पर्स्ड लिप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करने के लिए 4 से 5 बार दिन में एक बार पर्स्ड लिप ब्रीदिंग करिए. चाहे आप टीवी देखते वक्त करिए, कंप्यूटर लेते वक्त करें और न्यूज़पेपर लेते वक्त कर सकते हैं. उसके लिए देखिए, उसके लिए स्टेप्स हैं कैसे करना है. द स्टेप्स टू डू पर्स्ड लिप ब्रीदिंग प्रॉपरली, पहले तो रिलैक्स द मसल्स ऑन योर नेक एंड शोल्डर्स, राइट. रिलैक्स योर मसल्स इन द नेक एंड शोल्डर्स एंड सिट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन, कंफर्टेबल चेयर जहाँ आराम से कंफर्टेबल हो, और विथ योर फीट्स ऑन द फ्लोर, जमीन पे पैर रखना है. और आपको क्या करना है, थोड़ा सा इनहेल करना है स्लोली फ्रॉम द नोज, 2 counts, राइट. फील योर बेली गेटिंग लार्जर, लार्ज बेली होने दो. नाक से सांस लेना है 2 बार, बेली पेट में सांस भरनी है 2 बार, 2 count, 1 2 1 2, गिनना है नाक से, पेट भरना है, ये 3rd step है. और पेट जब भर जाएगा उसके बाद लिप्स को पर्स करना है. पर्स मतलब जैसे विसल बजाते हैं वैसे, या छोटा कर लेना है बेसिकली, थोड़ा सा गैप रख के छोड़ना है, जैसे विसल बजाते हैं पक्कर करना है लिप्स को, जैसे सीटी बजा रहे हैं वैसे. सो वो पर्स लिप करके जैसे ऐसे वैसे छोड़ना, राइट. सो पकर योर लिप्स एज इफ यू आर गोइंग टू विसल एंड ब्लो आउट द कैंडल. कैंडल ब्लो करते समय ऐसे ऐसे एक्सहेल स्लोली, ऐसा नहीं करना, एक्सहेल स्लोली. चार बार गिनना है, मतलब 2 counts, 1 2, और पूरा पेट खुला के 4 बार गिनते हुए. So, 1 2 in, 1 2 3 4 out, ऐसे आपको 4 या 4 से ज्यादा बार काउंट करके, दिस इज कॉल्ड पर्स्ड लिप ब्रीदिंग. इसको आप करेंगे, एक्सहेल नॉर्मली करना है, इसको फोर्स आउट नहीं करना है, हवा को फूकना नहीं है. थोड़ी सी साउंड से आ सकती है, कोई बात नहीं, सांस रोकनी नहीं है इन बिटवीन. ऐसा नहीं कि सांस रोकना है और पर्सनली ब्रीदिंग, और इसको आपको रिपीट करते रहना है जब तक आपको रिलैक्स नहीं हो जाते हैं. 2 मिनट 5 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसको कह सकते हो. दिस इज वेरी गुड पर्सनली ब्रीदिंग. इसको COPD वाले पेशेंट्स, एस्थमा वाले पेशेंट्स, हार्ट डिजीज वाले पेशेंट, जिनको भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, दे कैन डू दिस. इंटरस्टिशियल लंग डिजीज वाले, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाले, रेस्पिरेटरी फेलियर वाले, हाइपोक्सिया वाले, सारे लोग कर सकते हैं पर्सनली ब्रीदिंग. अगेन, नाक से सांस अंदर लेना है 2 count, पेट खुलाना है, पेट खुलेगा उसके बाद में 4 count 4 seconds में ऐसे. तो दिस इज पर्सनली ब्रीदिंग विच यू कैन डू एंड दिस विल हेल्प यू आउट. थैंक यू सो मच.